हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं जनक कुमार। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्लेम हार्डनिंग के बारे में। तो ये हीट ट्रीटमेंट सीरीज़ का 7वां वीडियो है। इससे पहले मैंने 6 वीडियो अपलोड कर रखा है, तो उस वीडियोज़ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो ये सरफेस हार्डनिंग मेथड का देखा जाए तो 3रा वीडियो है। ठीक है, इससे पहले मैंने कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग और कार्बो नाइट्राइडिंग इसके ऊपर पहले से वीडियोज़ बना के रखा है, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वो भी वीडियो देख लें। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। ठीक है, पढ़ते हैं फ्लेम हार्डनिंग के बारे में। तो देखिए, फ्लेम हार्डनिंग एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो फ्लेम हार्डनिंग आपका क्या है, सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, आपका जो मेटल सैंपल है, जैसे मेटल है, तो इसके सर्फेस को क्या करते हैं, हम हार्ड करते हैं, है ना। ठीक है, सर्फेस को हार्ड करते हैं। तो ये जो फ्लेम हार्डनिंग मेथड है और बाकी जो मतलब कार्बोराइजिंग या नाइट्राइडिंग है, इन दोनों में देखिए डिफरेंस क्या है। कार्बोराइजिंग और नाइट्राइडिंग में हम क्या करते थे, वहाँ पे कार्बन को या नाइट्रोजन को हम डिफ्यूज़ कराते थे सरफेस में। ठीक है, सरफेस को हार्ड बनाने के लिए। लेकिन फ्लेम हार्डनिंग में ऐसा कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, फ्लेम हार्डनिंग का मेन बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, हाई रेट से हीटिंग करते हैं, बहुत हाई स्पीड में हीटिंग करते हैं। तो हाई स्पीड में जब आप हीट करोगे तो क्या होता है कि मेटल का सरफेस में बस ऑक्सीनाइड बन पाता है। ठीक है, मतलब बहुत हाई रेट से आप इसको हीट कर रहे हो तो सरफेस क्या होगा, तुरंत हीट हो जाएगा। ठीक है, तुरंत हीट होगा तो इसका जो टेम्परेचर है सरफेस का, वो ऑक्सीडेटिव टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा, तो इसमें क्या बन जाएगा, आपका ऑक्सीनाइड बन जाएगा। ठीक है, लेकिन इस सरफेस के थोड़ा सा नीचे जाओगे अगर, तो वहाँ पे आपको ऑक्सीनाइड फेज नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आप बहुत हाई रेट से कूलिंग कर सॉरी हीटिंग कर रहे हो, तो सरफेस में आपका क्या बन जाएगा, ऑक्सीनाइड। फिर उसके बाद क्या करोगे आप, सरफेस में जैसे ऑक्सीनाइड बनना, आप इसको तुरंत क्या कर दिए, क्वांचिंग कर दिए। ठीक है, तो क्वांचिंग करोगे तो क्या होगा, सरफेस में केवल मार्टेनसाइट बनेगा। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीनाइट ही वो स्ट्रक्चर है जो किसी और में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो सरफेस में केवल ऑक्सीनाइट बना, तो सरफेस ही केवल मार्टेनसाइट में कन्वर्ट होगा और आपका जो सेंटर वाला पार्ट है वहाँ पे आपका सिंपल परलाइट होगा या फेराइट होगा। ठीक है, तो इससे आपको क्या फ़ायदा होता है, इसके हमको दो तीन प्रॉपर्टी एक साथ मिल जाती है। मतलब आपको प्रॉपर हार्डनेस भी मिल गया सरफेस में और आपका जो मटेरियल है उसमें डक्टिलिटी और टफनेस भी बरकरार है। ठीक है, देखिए सरफेस ट्रीटमेंट करने का सबसे मेन रीज़न क्या होता है, आपको पता होगा कि जब हम किसी मेटल को हार्ड बनाते हैं, ठीक है, हार्ड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, क्वांचिंग करते हैं, है ना, हार्डनिंग प्रोसेस करते हैं, तो उसमें क्या होता है, मेटल हार्ड तो हो जाता है बट साथ ही साथ मेटल ब्रिटल भी हो जाता है। ठीक है, उसकी डक्टिलिटी और टफनेस जो है वो घट जाती है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, सरफेस हार्डनिंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी फ्रिक्शन होगा, वियर होगा, वो सरफेस में होगा, सेंटर के हार्डनेस से हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो हम केवल सरफेस को हार्ड बनाते हैं और सेंटर में दूसरा फेज रहता है, ठीक है, मार्टेनसाइट रहता है। इससे आपको प्रॉपर जो है फटिक स्ट्रेंथ आपको मिल जाता है, प्रॉपर बेंडिंग और टॉर्जनल स्ट्रेंथ, इसके अलावा टफनेस और डक्टिलिटी आपको प्रॉपर मिल जाती है। ठीक है, ये इसका बेसिक प्रिंसिपल मैंने आपको पूरा समझा दिया। ठीक है, तो ये फ्लेम हार्डनिंग में हम क्या करते हैं, फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं फ्लेम बनाने के लिए। फ्लेम मतलब आप समझ रहे हो, फ्लेम मतलब आग। ठीक है, फ्लेम हार्डनिंग मतलब, तो इसमें हम फ्यूल का यूज़ करते हैं। फ्यूल कौन सा रहता है, कोई कंबस्टिबल गैस जैसे एसिटिलीन हो गया, नेचुरल गैस प्रोपेन या प्रोपिलीन, ये सब गैस को हम प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जलाते हैं। तो ऑक्सीजन या एयर, इसको किसके साथ भेजते हैं, ये कंबस्टिबल गैस के साथ, दोनों का मिक्सचर हम टॉर्च में भेजते हैं। तो टॉर्च में क्या होता है, फ्लेम बनता है, फ्लेम तुरंत मेटल को गर्म करते हैं और उसके बाद तुरंत हम उसको क्वांचिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सरफेस में आपको क्या मिल जाता है, हार्डनेस मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये सब चीज़ लिखा है, मैंने आपको बता दिया कि हम इसमें कोई भी क्या करते हैं, कुछ भी डिफ्यूज़न नहीं कराते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई केमिकल इनरिचमेंट वगैरह कुछ नहीं करते हैं, है ना। तो इसके थ्रू देखें कौन कौन से पार्ट्स को हम जनरली सरफेस हार्डनिंग करते हैं, बहुत सारे पार्ट को, जैसे कि गियर है, शाफ्ट है, रोल्स है ना, साइडवे कैम, क्रैंक कैम शाफ्ट है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। ये सारे कंपोनेंट का हम क्या करते हैं भाई, सरफेस हार्डनिंग करते हैं थ्रू फ्लेम हार्डनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे सब बोला गया है कि आपका जो मेटल के अंदर में पैरालिटिक स्ट्रक्चर होता है कोर में, है ना, कोर में मतलब बीच में, और सरफेस में आपका मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर होता है। अब सीधे मैं आपको सीधा वहाँ पे ले चलता हूँ जहाँ पे अच्छा डायग्राम दिया गया है, ये वाला डायग्राम, यहाँ से आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये आपका मेटल पार्ट है जिसको आपको क्या करना है भाई, सरफेस हार्डनिंग करना है, जिसका मतलब जिसका फ्लेम हार्डनिंग आपको करना है, ये मेटल का पार्ट है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं टॉर्च, इसको इसका क्या नाम है, टॉर्च। ठीक है, अब ये टॉर्च की बनावट थोड़ा देख लेते हैं इधर, ये देखिए टॉर्च कुछ इस तरह से बना रहता है। ठीक है, इसमें देखो दो तरह का होल है, यहाँ पे देखो नीचे ये सब जो होल दिया गया है इसको बोलते हैं हीटिंग होल। ठीक है, इसका क्या नाम है, हीटिंग होल। तो इसी होल से क्या होता है, फ्लेम बनता है। ठीक है, तो इस होल में हम क्या क्या भेजते हैं, यहाँ हम भेजते हैं आपका कंबस्टिबल गैस
और ऑक्सीजन का मिक्सचर, ठीक है। तो ये यहाँ पे जलता है, आपका फ्लेम यहाँ से निकलता है, ठीक है। अब इसी टॉर्च में देखो यहाँ पे एक और चीज़ दिया गया है, यहाँ पे ऊपर में ये दिया है कॉन्चिंग होल। तो यहाँ से जो आपका कॉन्चिंग मीडियम है, जैसे वाटर हो गया या ब्राइन सॉल्यूशन है या ऑयल है, जिससे भी आप कॉन्चिंग करना चाहते हो, ये कॉन्चिंग होल से ये निकलेगा। जैसे वाटर कॉन्चिंग कर रहे हो तो वाटर यहाँ से निकलेगा, मतलब ये होल तुरंत गर्म करेगा, फ्लेम निकलेगा, उसके बाद ये होल क्या करेगा, उसको कॉन्चिंग कर देगा तुरंत, है ना। अब इस डायग्राम में एक बार फिर आ जाओ, देखो ये जो टॉर्च यहाँ पे दिया गया, देखो यहाँ से हम क्या बोल भेज रहे हैं, फ्यूल गैस, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ। तो ये फ्यूल गैस यहाँ जाता है, फिर देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये बर्न हो रहा है, यहाँ पे फ्लेम निकल रहा है। तो जैसे यहाँ पे फ्लेम निकला, आपका मेटल जो है ये पार्ट तुरंत ऑक्सीडाइज बन गया इसका सरफेस, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ से क्या हो रहा है, वाटर निकल रहा है, इधर से हम कॉन्च वाटर भेज रहे हैं, कॉन्चिंग मीडियम भेज रहे हैं, तो ये इसको कॉन्चिंग कर रहा है। अब ये जो टॉर्च है मान लीजिए इधर की ओर मूव कर रहा है, ठीक है। तो जब ये इधर की ओर मूव कर रहा है तो क्या हो रहा है, ये एरिया पहले क्या बना भाई, ऑक्सीडाइज बना। अब ये जब मूव करेगा तो ये तुरंत ये है वाटर कॉन्चिंग कर देगा इसको, क्योंकि टॉर्च आगे की ओर मूव कर रहा है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीडाइज बना इसको तुरंत ये कॉन्चिंग कर देगा वाटर। तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, मार्टेनसाइट, इसके सरफेस में क्या मिल जाएगा आपको, मार्टेनसाइट, ठीक है। इसलिए इधर को बोल रहे हैं कि हार्डेंड जोन है, इधर हार्ड हो चुका है और इधर हार्ड होते जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हीटिंग इतना फास्ट होता है ना कि सरफेस में केवल ऑक्सीडाइज बनता है, फिर जब आप कॉन्चिंग करते हो तो केवल सरफेस में आपको मार्टेनसाइट मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया फ्लैट सरफेस। अगर मान लीजिए यही अगर सिलिंड्रिकल शेप का होता, अगर ऐसे इस टाइप का शेप का होगा आपका अगर पार्ट जो है ना, जो प्रोडक्ट है, तो उस केस में देखो इस तरीके से हम टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ देखो ये आपका टॉर्च है, ये आपका जो प्रोडक्ट है वैसे घूम रहा है, ठीक है। तो इस टॉर्च में देखो यहाँ पे आपका फ्लेम निकल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो कंपोनेंट होगा ना, तो उस कंपोनेंट के हिसाब से आपको क्या करना है, ये जो फ्लेम का जो डिज़ाइन है ना, उस तरीके से डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका शेप क्या है, उस हिसाब से जो टॉर्च है उसको डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम पीछे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे वही सब चीज़ें दी गई है कि ये जो है फ्लेम का जो मैकेनिकल अरेंजमेंट है ना, और जो मूवमेंट है वो डिपेंड करता है आपके पार्ट पे, वो पार्ट किस शेप का, किस साइज़ का है ना। तो ये जो और डेप्थ, जो डेप्थ ऑफ हार्डनेस होता है ना मेटल में, जैसे ये मेटल का पार्ट है तो कितने डेप्थ तक आपको हार्ड करना है, ये डेप्थ ऑफ हार्डनेस आपका डिपेंड करता है फ्लेम की स्पीड पे, ठीक है। फ्लेम का स्पीड आपका जितना ज़्यादा होगा ना, तो आपका सरफेस डेप्थ ऑफ हार्डनेस कम होगा, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी आप उसको आगे बढ़ा रहे हो तो अंदर तक क्या हो जाएगा, अंदर तक गर्म नहीं हो पाएगा, है ना, ऑक्सीडेट नहीं बन पाएगा। तो उससे आपको क्या मिलेगा, डेप्थ ऑफ हार्डनेस कम मिलेगा। अगर स्पीड कम है तो स्पीड अगर ज़्यादा है तो डेप्थ ऑफ हार्डनेस आपको कम मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे किस क्वांचिंग मीडियम का आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। जैसे ब्राइन सॉल्यूशन जो है सबसे फास्टेस्ट क्वांचिंग मीडियम होता है, तो अगर आप उसका यूज़ कर रहे हो तो आपको डेप्थ ऑफ हार्डनेस ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो हार्डनेबिलिटी है, जो स्टील की हार्डनेबिलिटी का ज़्यादा है, तब भी आपको डेप्थ ऑफ हार्डनेस जो है वो ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो डेप्थ ऑफ हार्डनेस को इस तरह से हम कंट्रोल कर लेते हैं। तो जो फ्लेम की स्पीड है आप कंट्रोल करोगे ना, तो आपको इस तरह से डेप्थ ऑफ हार्डनेस आपको कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही उसमें कॉन्चिंग वो करते हैं हम, ठीक है, ऑक्सीडाइज बन के फिर उसको तुरंत कॉन्चिंग कर लेते हैं। तो कॉन्चिंग के बाद आपको टेम्परिंग भी करना पड़ता है, ठीक है। तो टेम्परिंग का जनरल टेम्परेचर आपका होता है 150 से 200 डिग्री सेल्सियस में, हम फिर से उसको टेम्परिंग करते हैं, ठीक है। टेम्परिंग करने से क्या होता है ना, उसका जो ब्रिटलनेस होता है, जो सरफेस में जो ब्रिटलनेस है ना, वो उसका दूर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको टेम्परिंग भी करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखो कॉन्चिंग मीडियम अलग अलग टाइप का हम कॉन्चिंग मीडियम यूज़ कर सकते हैं, जैसे ब्राइन सॉल्यूशन है, ठीक है, वाटर कॉन्चिंग है, ऑयल कॉन्चिंग है, उसके अलावा पॉलीमर को भी कई बार ऐसे कॉन्चिंग मीडियम हम यूज़ करते हैं। तो आपको जैसा डेप्थ ऑफ हार्डनेस चाहिए, ठीक है, उस हिसाब से हम कॉन्चिंग मीडियम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब कुछ बेनिफिट देख लेते हैं, फ्लेम हार्डनिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं। फ्लेम हार्डनिंग का बेनिफिट क्या है, अगर इसके आपके पास मान लीजिए पार्ट है, कुछ मान लीजिए आपका गियर है ना, ये गियर है, ठीक है, गियर अच्छे से बन नहीं रहा है, मैं आपको जैसे बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए गियर है, अब गियर को केवल टीथ को आपको क्या करना पड़ता है, हार्डनिंग करना पड़ता है टीथ का केवल। तो आप क्या कर सकते हो, केवल टीथ की हार्डनिंग कर सकते हो इस पार्ट की, ये जो बीच का पार्ट है आपको उसको हार्ड करने की ज़रूरत नहीं है, तो केवल ये टीथ वाले पार्ट में आप फ्लेम हार्डनिंग कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से पर्टिकुलर जिस पार्ट में आपको हार्डनेस चाहिए ना, वो आप कर सकते हो, ठीक है। ये वाला प्रोसेस आप कार्बोराइजिंग या नाइट्राइडिंग में ये आप नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा क्या है, मान लीजिए आपका पार्ट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा पार्ट है जिसको आपको क्या करना है ना, सरफेस हार्डनिंग करनी है, तो अगर पार्ट बड़ा है तब भी उसके लिए ये फ्लेम हार्डनिंग बहुत अच्छा है, ठीक है। ये इसका अगर आप कार्बोराइजिंग या नाइट्राइडिंग करोगे ना, तो उसके लिए बहुत बड़ा फर्नेस की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वो बड़ा फर्नेस के लिए ये बड़ा फर्नेस आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि पार्ट बड़ा है तो वहाँ पे ज़्यादा पैसा लग सकता है। तो आप क्या कर सकते हो, इसका फ्लेम हार्डनिंग कर सकते हो, ठीक है। ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं, और इससे हमको प्रॉपर हार्डनेस भी मिल जाता है, जो हार्डनेस की हमको ज़रूरत होती है।
अब देखिए, अब बात आती है कि आप किस टाइप के स्टील का आप फ्लेम हार्डनिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन जो होता है कार्बन स्टील है और कुछ अलॉय स्टील है, इसके अलावा ग्रे कास्ट आयरन है, इसका हम जनरली फ्लेम हार्डनिंग करते हैं। ठीक है, तो आपको अगर किसी स्टील का फ्लेम हार्डनिंग करना है तो कम से कम कार्बन कंटेंट आपका इस रेंज में होना चाहिए, 0.35 से 0.55 तक। ठीक है, अगर कार्बन कंटेंट अगर इससे कम हुआ तो आपको क्या होगा, प्रॉपर मार्टेसाइट नहीं बन पाएगा। ठीक है, मतलब आपको प्रॉपर हार्डनेस अचीव नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि हम यहाँ पे कार्बोराइजिंग की तरह कार्बन तो बाहर से डिफ्यूज़ नहीं करा रहे हैं, है ना, तो उसके लिए स्टील में ही प्रॉपर आपका कार्बन कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, और 0.5 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0.5 से ज़्यादा हुआ कार्बन ना तो वहाँ पे कॉन्च क्रैक आने के चांसेस है। ठीक है, मतलब जब उसको कॉन्चिंग करोगे ना तो सर्फेस उसका क्रैक हो सकता है। ठीक है, तो कार्बन कंटेंट जो है आपका इस रेंज में होना चाहिए, है ना। इसके अलावा कुछ अलॉइंग एलिमेंट भी हम ऐड करते हैं, है ना। अलॉइंग एलिमेंट ऐड करने से क्या होती है, मेटल की हार्डनेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, उसके अलावा कॉन्च क्रैक जो होता है उससे भी राहत मिल जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। ये सब तो मैंने आपको बता दिया कि हम हीटिंग करते हैं, फिर इसको कॉन्च कर देते हैं, हाई रेट से हीट करते हैं, सरफेस को खाली हीट करते हैं, उसको कॉन्च कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, टेम्परिंग, ताकि ब्रिटलनेस जो है वो दूर हो जाए। ठीक है, अब देख लेते हैं ये जो फ्लेम हार्डनिंग है ना, इसको 5 अलग अलग मेथड में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये मेथड डिपेंड किस पे करता है, फ्लेम पे, कि डिजाइन फ्लेम का डिज़ाइन क्या है, है ना, फ्लेम मूव कर रहा है कि नहीं मूव कर रहा है, इन सब बेसिस में इसको 5 अलग अलग मेथड में डिवाइड किया गया है। पहला मेथड है स्टेशनरी मेथड। तो स्टेशनरी मेथड में देखो नाम से ही पता चल रहा है कि स्टेशनरी, तो इसमें क्या होता है, ये आपका जो प्रोडक्ट होता है ना, जैसे आपका प्रोडक्ट है तो इसका जो टॉर्च होगा वो भी स्टेशनरी होगा, यहाँ से फ्लेम निकलेगा फिर इसको कॉन्च करेगा, तो इसमें दोनों स्टेशनरी है, तो इसलिए इसको बोलते हैं स्टेशनरी मेथड। सेकंड इसमें होता है स्ट्रेट लाइन प्रोग्रेसिव मेथड। तो स्ट्रेट लाइन प्रोग्रेसिव मेथड में देखो ये आपका पार्ट है, ठीक है, ये आपका टॉर्च है, तो ये जो टॉर्च है ना वो आगे की ओर मूव करता है। ठीक है, आगे की ओर मूव करता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन प्रोग्रेसिव मेथड। तो इसमें ये वाला जोन आपका देखो हार्डनिंग हो गया है, ये वाला भी हो रहा है, उसके बाद ये आगे बढ़ेगा, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन प्रोग्रेसिव मेथड। ठीक है, यह आप पे दिख रहा होगा, ये वर्क पीस है, ये इधर आ रहा है, ये आपका टॉर्च है। ठीक है, ये एक्चुअल डायग्राम, आप एक्चुअल फोटो आप देख सकते हो, ये आपका फ्लेम इधर की ओर मूव कर रहा है। ठीक है, थर्ड टाइप का होता है सर्कुलर बैंड स्पिनिंग मेथड। तो सर्कुलर बैंड स्पिनिंग मेथड में आपका देखो क्या होता है, इसमें ये जनरली यूज़ होता है आपका, अगर सिलेंड्रिकल कंपोनेंट है, सिलेंड्रिकल टाइप का अगर कंपोनेंट आपका इस तरीके से गोल है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है, तो यहाँ पे यूज़ होता है, तो ये आपका प्रोडक्ट है, ये क्या करता है, ये प्रोडक्ट आपका घूमते रहता है, है ना। ठीक है, यहाँ पे शब्द इस्तेमाल है ना स्पिनिंग, स्पिनिंग मतलब घूमना है, तो ये आपका प्रोडक्ट घूमते रहेगा और यहाँ पे बहुत सारा टॉर्च लगा हो, जैसे ये एक टॉर्च, दो टॉर्च, तीन टॉर्च, ऐसे डिपेंड करता है कितना लंबा है प्रोडक्ट, उस हिसाब से इतना टॉर्च इस्तेमाल करते हैं। तो इस टॉर्च में क्या होता है, फ्लेम भी होता है और आप जानते हो कि कॉन्चिंग भी होता है, तो ये इस तरीके से क्या करता है, पूरे एरिया को क्या कर रहा है, ये हार्डनिंग कर रहा है। तो यहाँ पे मूव क्या कर रहा है, केवल आपका जो प्रोडक्ट है वो घूम रहा है, ठीक है, बाकी जो टॉर्च है वो स्टेशनरी है। ठीक है, तो इसमें सर्कुलर बैंड टाइप का आपका हार्डनेस मिलता है इस तरह, जैसे इस टॉर्च में कांटेक्ट आएगा तो यहाँ बैंड मिलेगा, हार्डनेस बैंड, यहाँ हार्डनेस बैंड, यहाँ हार्डनेस बैंड। ठीक है, तो इसका इसलिए इसका नाम है सर्कुलर बैंड स्पिनिंग मेथड। इसमें केवल प्रोडक्ट जो है वो स्पिन करता है, टॉर्च आपका स्टेशनरी रहता है। ठीक है, थर्ड टाइप का होता है सर्कुलर बैंड प्रोग्रेसिव मेथड। देखो प्रोग्रेसिव मेथड में आपका क्या होता है ना, नाम से ही पता चले, देखो सर्कुलर बैंड है ना प्रोग्रेसिव, तो इसमें भी आपका जो प्रोडक्ट होता है ना वो सिलेंड्रिकल शेप का ही होता है ऐसे, है ना। डिफरेंस क्या है यहाँ पे, इसमें भी आपका ये प्रोडक्ट जो है वो घूम रहा है ना, उसमें भी घूम रहा था, यहाँ पे भी आपका प्रोडक्ट घूम रहा है, इसमें डिफरेंस क्या होता है, आपका जो टॉर्च होता है ना वो मूव करता है, जैसे ये टॉर्च अभी यहाँ को क्या कर रहा है, हार्डनिंग कर रहा है, तो ये टॉर्च ऐसे इधर की ओर मूव करते जाएगा, ये अपनी जगह में घूमेगा प्रोडक्ट और ये टॉर्च ऐसे मूव करेगा। ठीक है, तो ये सर्कुलर बैंड प्रोग्रेसिव मेथड में इस तरह का हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो स्पीड होता है आपका, सरफेस स्पीड जो होता है वो 3 से 12 इंच पर मिनट होता है, जो टॉर्च का जो स्पीड है ना वो 3 से 12 इंच पर मिनट होता है। अगर आपको इसका नोट बनाना है तो आप वीडियो को पॉज करके इसका नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या है ये, हाँ इसमें देखो यहाँ पे आपको पूरा दिख रहा है, ये आपका एक लेथ मशीन जैसा होता है, इसको घुमाते रहता है, ये आपका टॉर्च, ये टॉर्च क्या करता है आगे की ओर मूव करता है ऐसे। ठीक है, इस तरह से ये काम करता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट है स्पायरल बैंड प्रोग्रेसिव मेथड। ठीक है, तो स्पायरल बैंड प्रोग्रेसिव मेथड में भी क्या होता है, आपका ये जो है ना, यहाँ पे भी आपका प्रोडक्ट इस तरह से गोल घूम रहा है और यह जो आपका पार्ट है ये इधर की ओर ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में आपका क्या होता है ना, ठीक है, तो इस केस में आपका क्या होता है ना, ये जो है टॉर्च क्या कर रहा है, इस जगह पे क्या करता है, पहले मान लीजिए क्या कर रहा है, हार्डनिंग किया, ये घूम रहा है। ठीक है, उसके बाद इस जगह को छोड़ के फिर यहाँ को हार्डनिंग करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या हो रहा है, स्पायरल बैंड टाइप का फॉर्म हो रहा है, तो इसको बोलते हैं स्पायरल बैंड प्रोग्रेसिव मेथड।
तो इसमें इस तरीके से हार्डनिंग होता है, ठीक है। एक्चुअल डायग्राम यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे कुछ ग्रेड के नाम है, स्टील ग्रेड जिसका क्या करते हैं जनरली फ्लेम हार्डनिंग किया जाता है, ठीक है। यहाँ से आप नोट कर सकते हो हार्डनिंग टेम्परेचर, उसका केस डेप्थ क्या होता है, आप एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। ये जो ये देखो यहाँ पे जो प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं ना, इस इन सब का फ्लेम हार्डनिंग किया गया है, ठीक है। देखो इस पार्ट का फ्लेम हार्डनिंग, यहाँ पे देखो बैंड फॉर्म हुआ है ना, तो इसका जो हार्डनिंग किया गया है वो फ्लेम हार्डनिंग से किया गया है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है इसके सर्फेस में देखो, सर्फेस में मार्टिन साइड बना है इसलिए यहाँ पे अलग सा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो सर्फेस हार्डनिंग किया है, सर्फेस में आपका मार्टिन साइड बना है, अंदर में आपका पार्लाइट या फेराइट है, ठीक है। तो ये आपका लेयर फॉर्म हुआ है, हार्ड लेयर, ठीक है, जो कि आपको वियर से बचाता है। यहाँ पे देखो गियर का कैसे करते हैं, ये देखो गियर का टीथ है, तो गियर का जो टीथ है ना वहाँ के हम फ्लेम हार्डनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से गियर का भी फ्लेम हार्डनिंग इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं इंडक्शन हार्डनिंग के बारे में, ठीक है। इंडक्शन हार्डनिंग में ज़्यादा कंटेंट नहीं है इसलिए मैंने अलग से वीडियो नहीं बनाया, इसी वीडियो में इसको भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं इंडक्शन हार्डनिंग। तो इंडक्शन हार्डनिंग में देखो नाम से ही पता चल रहा है, ये वर्क करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे, किस पे वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, ठीक है। देखो अब सीधा मैं इसके सेटअप पे आता हूँ, ये इसका सेटअप है। यहाँ पे देखो ये पावर सप्लाई का सोर्स यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये पूरा पावर सप्लाई है, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये निकला हुआ है कॉइल, ये कॉपर का बना हुआ कॉइल होता है, ये ऐसे देखो कॉइल गया है, ठीक है। इस कॉइल के बीच में हम क्या रखें, आपका जो प्रोडक्ट है, जो पार्ट है जिसको आपको हार्डनिंग करना है, उसको हमने रख दिया है, ठीक है। तो ये देखो काम कैसे करता है, इस कॉइल में हम क्या कराते हैं, करंट फ्लो कराते हैं, ठीक है। तो जब हम कॉइल में करंट फ्लो कराते हैं ना, तो आपको क्या होता है, ये जो कॉइल के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, ठीक है। इस डायग्राम में देखिए, यहाँ से आपको ज़्यादा से समझ में आएगा। ये देखो ये जो लाल कलर में आपको दिख रहा है ना, मैं कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि ये भी रेड है। देखो ये जो लाल कलर में आपको दिख रहा है ना, ये आपको कॉइल को दिखा रहा है, ठीक है। ये आपको क्या है, कॉइल है। अब इस कॉइल में आप क्या कर रहे हो, करंट फ्लो करा रहे हो, ठीक है। कॉइल में आप क्या करा रहे हो, करंट फ्लो करा रहे हो पावर सप्लाई के थ्रू। तो जब इस कॉइल में करंट फ्लो होगा ना, तो क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जनरेट होता है, ठीक है। ये मतलब प्रिंसिपल है ना, जब भी किसी वायर पे या किसी चीज़ में हम मैग्नेट वो करंट फ्लो कराते हैं ना, तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो देखो ये जो आपको लाइन दिख रहा है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्टैक्ट में कौन आ रहा है, ये आपको ये स्टील का पार्ट आ रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आपका जो प्रोडक्ट है ना, वो कॉइल के कांटेक्ट में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, याद रखिए, है ना। आपका जो प्रोडक्ट है और कॉइल है, ये दोनों कांटेक्ट में नहीं है, दोनों है ना, इसको याद रखिए, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड जब ये मेटल से होकर गुजरता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, जब ये मेटल से होकर गुजरेगा ना, तो एक करंट इंड्यूस करता है, ठीक है। मतलब मेटल में जो प्रोडक्ट में उसको करंट इंड्यूस हो जाएगा, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड ईडी करंट। ये करंट क्यों इंड्यूस्ड होगा, है ना, मेटल में क्यों करंट फ्लो करने लगेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसमें करंट फ्लो करने लगेगा, ठीक है। तो जब इसमें करंट फ्लो करेगा ना, तो मेटल जो है हीट होने लग जाएगा, ठीक है। हीट क्यों होगा, हीट का एक फॉर्मूला है, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। यहाँ पे आई क्या है, करंट, मतलब कितना करंट इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। आर क्या है, रेजिस्टेंस है, उस मेटल प्रोडक्ट का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो जितना आपका करंट जनरेट होगा ना, उतना हीट होगा, जितना रेजिस्टेंस होगा उतना हीट होगा, है ना। तो इसके कारण आपको पार्ट क्या हो जाता है, हीट होने लगता है। अब ये हीटिंग इतना फास्ट होता है ना, ठीक है, ये कॉइल के बीच में जो मेटल है, इतना फास्ट हीटिंग होता है कि इसका सरफेस जो है तुरंत गर्म हो जाता है, ठीक है। तो सरफेस में आपका तुरंत क्या बन जाता है भाई, मार्टिनसाइट बन जाता है, सॉरी ऑस्टेनाइट बन जाता है। तो उसके बाद ये जैसे गर्म होता है, इसको तुरंत हम क्या कर लेते हैं, क्वांचिंग कर लेते हैं। तो क्वांचिंग कर लेते हैं, तो जो ऑस्टेनाइट बना है सरफेस में, वो तुरंत मार्टिनसाइट बन जाता है, ठीक है। तो हीटिंग रेट इतना फास्ट होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है ना, उसका सरफेस तुरंत गर्म हो जाता है ऑस्टेनाइट तक, लेकिन इसका जो कोर है वो गर्म नहीं हो पाता है, ठीक है। तो एकदम फास्ट हीटिंग करते हैं, ये आपका बन जाता है ऑस्टेनाइट, फिर इसको तुरंत क्वांचिंग कर लेते हैं, तो सरफेस में आपको मिल जाता है मार्टिनसाइट, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल पर ये काम करता है। तो ये सेम चीज़ें यहाँ पे आपकी लिखी हुई है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अब डेप्थ ऑफ हार्डनेस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इसमें डिपेंड करता है इसके जो करंट है ना, उसके फ्रीक्वेंसी पे। अगर करंट फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा हुआ, ठीक है, करंट की जो फ्लो हो रही है ना, करंट की यहाँ जो फ्लो हो रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा हुई, तो डेप्थ ऑफ हार्डनेस कम बनेगा, ठीक है। क्योंकि अगर करंट का अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुआ, तो बहुत फास्ट हीटिंग होगा। तो जितना फास्ट हीटिंग होगा ना, उतना आपको डेप्थ ऑफ हार्डनेस कम मिलेगा, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए।
ठीक है। बाकी इसके हार्डनेबिलिटी वगैरह पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। इसके अलावा जो परमेबिलिटी है मेटल की, डेंसिटी है ना, उसके बाद डायमीटर है, कितना मोटा आपने सैंपल लिया है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है आपका डेप्थ ऑफ हार्डनेस। इसमें भी सेम वही है, मार्टेनसाइट आपका स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। तो इसमें भी आपका कार्बन कंटेंट पहले से होना चाहिए, जनरली इसमें कार्बन कंटेंट 0.4 से 0.45 तक होना चाहिए मेटल में पहले से, ठीक है, मार्टेनसाइट बनाने के लिए। अगर इससे कम हुआ तो आपको यहाँ पे मार्टेनसाइट नहीं बनेगा, क्योंकि इस केस में भी आप अलग से कोई कार्बन या नाइट्रोजन वगैरह यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे हो या डिफ्यूज़ नहीं करा रहे हो, ठीक है। तो बहुत सारे पार्ट है, जैसे ऑटोमोटिव मशीन है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में होने वाले पार्ट है, बहुत सारा वियर रेजिस्टेंस वाले जो पार्ट है, गियर वगैरह, इसका हम क्या करते हैं जनरली इंडक्शन हार्डनिंग से उसको हार्ड करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा इसका जो है प्रिंसिपल है, ये आपको देख सकते हो, ये इसका माइक्रोस्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे ये भी बताया है कि डेप्थ ऑफ हार्डनिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉइल फ्रीक्वेंसी, बताया ना, कॉइल की फ्रीक्वेंसी, कॉइल करंट की फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगा डेप्थ ऑफ हार्डनेस उतना कम होगा, ठीक है। तो इसका कुछ कुछ हम एडवांटेजेस वगैरह देख लेते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है। क्योंकि इसके अलावा और इसमें आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सा एडवांटेज देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, मिनिमम वर्क पीस डिस्टॉर्शन, तो वर्क पीस का डिस्टॉर्शन बहुत कम होता है, क्योंकि इतना फास्ट हीटिंग होती है, ठीक है। तो केवल सरफेस में मार्टेनसाइट बनता है तो डिस्टॉर्शन के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। डिस्टॉर्शन मतलब शेप चेंज हो जाना, इसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन, ठीक है। इसके अलावा जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी यहाँ से जो आपको मिलती है वो भी बहुत सुपीरियर होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फास्ट हीटिंग होने से आपको क्या ग्रेन ग्रोथ वगैरह भी नहीं होता है, ठीक है। और अपना ही इसके मेटल के सेंटर में कोई मार्टेनसाइट बनता है तो इससे मेटल ब्रिटल होता है, तो मेटलर्जिकल प्रॉपर्टी भी प्रोडक्ट की बहुत अच्छी होती है ना। हायर प्रोडक्ट, इसकी जो प्रोडक्टिविटी वो भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि बहुत फास्ट प्रोसेस है, ठीक है। कॉम्पैक्ट मशीन रिक्वायर, मतलब बहुत कम जगह में आप ये सब प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है। और बहुत अगर लार्ज प्रोडक्ट है, बहुत लार्ज वर्क पीस है, उसको भी आप बड़ी आसानी से आप हार्डनिंग कर सकते हो, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल भी बहुत आसानी से हो सकता है, कंप्यूटर कंट्रोल से आप करंट वगैरह कंट्रोल कर सकते हो, डेप्थ ऑफ हार्डनेस वगैरह कंट्रोल आप यहाँ से बड़ी आसानी से कर सकते हो। इसके अलावा इसमें कोई इमिशन नहीं होता है, जैसे फ्लेम हार्डनिंग में आप गैसेस को जला रहे हो, है ना, तो वहाँ से कुछ ना कुछ कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह निकलेगा जो एनवायरमेंटल को पोल्यूट करेगा, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, कोई इमिशन नहीं होता है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया इंडक्शन हार्डनिंग के बारे में। तो इस वीडियो में हमने जाना फ्लेम हार्डनिंग और इंडक्शन हार्डनिंग के बारे में, ठीक है। तो ये है इस वीडियो का एंड। आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।